हेयर वी आर गोइंग टू लर्न टू कमांड एफ पुट सी एंड एफ गेट सी। ठीक है, तो एफ पुट सी फंक्शन का सिंटेक्स है, एफ पुट सी इज यूज टू राइट सिंगल कैरेक्टर, एंड इसका सिंटेक्स है हम लोगों का इंट एफ पुट सी इंट सी, या फिर यहाँ पे हम लोग इंट सी हम लोग कैरेक्टर पुट कर रहे हैं, पर कैरेक्टर इंटरनली इंट टाइप कास्टिंग होके पुट होता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी कैरेक्टर वेरिएबल लो, सपोज कैरेक्टर ए, ठीक है, तुम लोग अगर इसको इंट देके प्रिंट करोगे तो ये 65 प्रिंट करेगा। मतलब ये इंटरनली एज एन इंट काम करता है कोई भी कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे भी जैसे इंटरनली इंट काम कर रहा है तो इसका सिंटेक्स होता है इंट सी, एंड यहाँ पे होगा फाइल पॉइंटर। ठीक है, फाइल स्ट्रीम लिखो या फिर फाइल पॉइंटर लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो ये किसका सिंटेक्स है? इफ पुट सी का। ठीक है, आप इफ गेट सी का सिंटेक्स है, मतलब इफ पुट सी मतलब टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन द फाइल, इफ गेट सी मतलब टू रीड सिंगल कैरेक्टर इन द फाइल। तो इसको जो लिखोगे ये भी इंटरनली इंट काम करता है, तो इसका रिटर्न टाइप इंट होगा, इंट इफ गेट सी। ये सिंटेक्स आता है एग्जाम्पल एग्जाम में, फाइल स्टार पॉइंटर। ठीक है, अब इसका यूज हम लोग देखते हैं। पहले है इफ पुट से, पहले लिखेंगे फिर तो पढ़ पाएंगे ना, तो इफ पुट से यूज करते हैं। मैं यहाँ पे दो अलग अलग प्रोग्राम लिख रही हूँ कि कैसे हम लोगों को यहाँ पे किए जाए। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h void main। तो void main हम लोगों को क्या करना है, obviously एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे यूजर से, तभी तो हम लोग जाके उसको प्रिंट कर पाएंगे। इनपुट लिए, एक इंट वेरिएबल चाहिए, और क्या चाहिए, एक फाइल पॉइंटर चाहिए, फाइल स्टार एफ पी। ठीक है, अब जो लगेगा वो बाइल बाद में ले लेंगे, हो गया। अब हम लोगों का पहला काम है कि फाइल को, हाँ, ए इनपुट मोड पे, इनपुट नहीं, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना है फाइल को, तो फाइल को क्या करेंगे, राइट मोड पे खोलना है। ठीक है, तो फाइल को कैसे राइट मोड पे खोलना है ये हम लोग जानते हैं, एफ पी इक्वल्स टू एफ ओपन फाइल नेम, सपोज ए बी सी डॉट टी एक्स टी, कुछ भी फाइल दे सकते हो, ए बी सी डॉट टी एक्स टी, ई नहीं होता है, टी एक्स टी एक्सटेंशन, कॉमा उसका मोड, मोड मतलब ये राइट मोड पे खोलेगा, क्योंकि वी हैव टू राइट इन द फाइल। तो ये है फाइल नेम एंड ये है उसका राइटिंग मोड। तो ये हम लोगों को यहाँ पे करना ही है कि फाइल इसको खोलने के लिए। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको, तो देखेंगे कि फाइल ये ओपन हुआ है कि नहीं, मतलब अगर ये फाइल पॉइंटर, मतलब क्या है, हम लोग क्या सीखे, फाइल पॉइंटर मतलब व्हेनेवर वी डिक्लेयर दिस इट विल एलोकेट सम स्पेस फॉर ए बी सी डॉट टी एक्स टी। ओके, कुछ स्पेस, मेमोरी स्पेस एड्रेस करता है, और उसका जो बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस, बेस एड्रेस है, वो क्या करता है, वो एक फाइल टाइप पॉइंटर पे स्टोर करता है। हम लोग जानते हैं कि पॉइंटर का जितना टाइप होगा तो उसका एड्रेस वो रखेगा, तो ये एक फाइल टाइप पॉइंटर है, उस पर बेस एड्रेस वो यहाँ पे स्टोर करता है। ठीक है, कोई भी फाइल को एफ ओपन से, अब ये जो एफ ओपन पे ये स्टोर करेगा, तो अगर ये ठीक ठाक फाइल
के लिए स्पेस एलोकेट कर पाया तो उसका बेस एड्रेस एफपी पे रिटर्न करेगा, अगर वो नहीं कर पाया तो यहाँ पे ये नल रिटर्न करेगा। ओके, तो वी हैव टू चेक वेदर इट इज फाइल इज क्रिएटेड और नॉट। पहले तो उसको देखना है कि फाइल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो क्या देखोगे, इफ एफ पी इक्वल्स टू नल, नल मतलब अगर फाइल क्रिएट नहीं होगा तो एड्रेस भी नहीं मिलेगा, एड्रेस नहीं मिलेगा तो वो क्या होगा, नल आएगा, नल। तो फिर क्या होगा, एक प्रिंट एफ दोगे, प्रिंट एफ फाइल क्रिएशन एरर रिटर्न। रिटर्न करो या फिर एग्जिट लिखो, ठीक है, रिटर्न जीरो। तो यहाँ पे रिटर्न लिखोगे तो यहाँ पे वॉइड में लिखने से नहीं होगा, यहाँ पे इंट लिखो, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो अगर होगा तो हम लोग फाइल पे लिखेंगे। तो फाइल पे लिखेंगे मतलब यूजर से इनपुट लेंगे, तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे प्रिंट एफ इंटर द नेम ऑफ योर सिटी, ठीक है। तो स्कैन एफ परसेंट एस एस, तो एस में सिटी आ जाएगा। तो एस में सिटी आएगा जो, तो वो क्या होगा, वो ऑब्वियसली एरे में आएगा, तो एरे में आएगा ना। तो ये होगा एस, तो ऑब्वियसली ये है एस जीरो एस वन, तो क्योंकि हम लोगों को तो एक एक कैरेक्टर फाइल में प्रिंट करना है, तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करोगे तो मतलब एस जीरो एस वन ये एक एक कैरेक्टर है। तो कब तक प्रिंट होगा, जब तक ना नल वैल्यू, एवरी स्ट्रिंग शुड बी टर्मिनेटेड विथ नल वैल्यू। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, लूप चाहिए स्ट्रिंग का हर काम करने के लिए, एक एक कैरेक्टर अगर चाहिए तो आई इक्वल्स टू जीरो एस आई नॉट इक्वल्स टू नल आई प्लस प्लस, ठीक है। मतलब इसको एरे को एक एक कैरेक्टर एक्सेस करने के लिए, तो क्या करेंगे आप, एफ पुट सी लिखना है कहाँ पे, फाइल पे। अगर स्क्रीन पे लिखना होता हम लोग डायरेक्ट प्रिंट एफ करते, तो लिखना कहाँ है, फाइल पे। तो क्या लिखोगे, एफ पुट सी। तो एफ पुट सी का सिंटेक्स क्या है, देखो कैरेक्टर इंट फॉर्मेट में वो चेंज कर देता है, पर लिखना क्या है, कैरेक्टर और फिर फाइल, फाइल पॉइंटर। तो यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर है एस आई, फिर फाइल पॉइंटर क्या है एफ पी। अगर इस तरीके से लिखोगे तो आई जीरो मतलब फर्स्ट कैरेक्टर के प्रिंट होगा फाइल पे, आई वन मतलब ओ प्रिंट होगा, आई टू मतलब एल प्रिंट होगा। इस तरीके से एक एक करके पूरा कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब तो फाइल बन गया, बन गया मतलब फाइल को ओपन किया, नहीं होगा तो नल एरर दे देगा, यूजर से इनपुट लेंगे और फिर फाइल पे लिखेंगे। ये सिंटेक्स है टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन ए फाइल। तो एक एक करके कैरेक्टर लिखोगे तो एक एक करके तो प्रिंट हो जाएगा ना। तो हो गया, अब फॉर आफ्टर परफॉर्मिंग एवरी ऑपरेशन इन ए फाइल वी हैव टू क्लोज द फाइल एवरी टाइम। क्लोज द फाइल एवरी टाइम मतलब हम लोगों को यहाँ पे एफ क्लोज करना ही है, क्योंकि अगर हम लोग ये नहीं लिखेंगे तो फिर ये फाइल पॉइंटर इसको लेके ही रहेगा, फाइल ओपन होके रहेगा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब ओपन करके इसको पढ़ना चाहेंगे तो ऑलरेडी ओपन तो है। तो इसलिए अगर हम लोग इसको क्लोज करना मतलब ये एड्रेस इसको छोड़ देना, ठीक है। तो अगर ये क्लोज नहीं करेंगे तो ये ऑलरेडी फाइल ओपन होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब ओपन करेंगे तो ये एरर देता है, ऑलरेडी फाइल ओपन ये एरर आ जाता है, ठीक है। तो फाइल ओपन क्लोज किए, तो ये हो गया हम लोगों का एफ पुट सी मतलब टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन ए फाइल, ठीक है, ये उसका प्रोग्राम है। तो ये तो प्रिंट हो गया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइल को रीड करेंगे, मतलब एफ गेट सी से रीड करेंगे। ओके,
तो एफ गेट सी से अगर हम लोग रीड करेंगे तो फाइल को कौन से मोड पे खोलना है, रीड मोड पे खोलना है। तो हम लोग एक नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मेन। तो एक एक कैरेक्टर प्रिंट होगा, एक एक कैरेक्टर हम लोग वहां पे पढ़ेंगे मतलब प्रिंट करेंगे। ओके तो देखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो एक एक कैरेक्टर लेना है। सपोज कैर सी, फाइल पॉइंटर एक चाहिए, ये चाहिए स्टार एफ पी, बाकी अगर जो जो चाहिए हम लोग कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोगों का क्या, हम लोगों का है व्हाट वी हैव टू डन, वी हैव टू फर्स्ट ओपन द फाइल। तो एयर एस, तो यहाँ पे ये प्रोग्राम क्या है पहले वो तो लिख ले, टू रीड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम ए फाइल। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर फाइल में लिखेंगे। तो लिखो, तो फाइल को पहले ओपन करो, तो रीड कर रहा है तो ना, तो रीड करना है मतलब एफ ओपन, फाइल का नाम सेम रखना है, नाम क्या था एबीसी डॉट टी एक्स टी, खोलना क्या है रीड मोड में खोलना है, ये स्टेप सेम है। फिर इफ एफ पी ये चेक करना ही है नल, प्रिंटेफ फाइल कैन नॉट बी ओपन, ओके एग्जिट, ये मतलब प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा। ठीक है, और अगर फाइल खोलेगा तो फाइल अगर सपोज ओपन हुआ यहां पे, ठीक है, तो अगर फाइल ओपन हुआ तो यहां पे तो टेक्स्ट है, सपोज कोलकाता दिल्ली टेक्स्ट है, तो ठीक है, तो कब तक पढ़ेगा, ये तो एक एक कैरेक्टर करके पढ़ रहा है, ठीक है, तो कब तक करेगा। तो एवरी फाइल शुड बी एंडेड टू इट, एकदम लास्ट में फाइल तक आया कि नहीं, क्योंकि ये देखो ये क्या कर रहा है, ये फाइल पॉइंटर से मूव पूरा कैरेक्टर एक एक करके चेक कर रहा है आता है कि नहीं, वो एफ एंड ऑफ फाइल चेक कर रहा है कि ये जो पॉइंटर मूव कर रहा है, पॉइंटर मतलब एड्रेस, हम लोग जैसे पॉइंटर टू एन एरे करते हैं तो पॉइंटर से पूरा एरे कैरेक्टर एक एक करके ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी पॉइंटर मूव होता है अपने आप, एक एक करके रीड कर लोगे तो एक एक करके लूप घूमेगा तो पॉइंटर मूव होता है, तो मूव होने के बाद वो लास्ट में क्या करता है, एफ ईओ एफ चेक करता है, एफ ईओ एफ मतलब फाइल एकदम लास्ट तक पहुंचा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली ये लूप में जाएगा क्योंकि वी डोंट नो हाउ मच टेक्स्ट इज रिटेन हियर, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, डू लूप ले सकते हैं, व्हाइल वन ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, सपोज ऐसे ले सकते हो वाइल वन, वाइल वन मतलब कब तक करोगे, जब तक नाल ना हो, तो यहाँ पे वाइल वन लेते हैं, एक एक कैरेक्टर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ोगे, एफ गेट सी, कहाँ से पढ़ रहा है, फाइल से पढ़ रहा है, तो फाइल से पढ़ने का सिंटेक्स क्या है, एफ सी, सिर्फ उसके अंदर फाइल पॉइंटर लिख दो, तो फाइल पॉइंटर लिखोगे तो वो क्या होगा, सी एक कैरेक्टर वेरिएबल हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, तो जब इन वेन एवर वी वॉन्ट टू रीड ए कैरेक्टर, तो अगर यहाँ पे एकदम फास्ट में, तो एफ पी फी से तो ये ओपन किया, मतलब ये एफ पी इनिशियली यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो जब ये फास्ट यहाँ पे आएगा तो सी पे क्या आएगा, के आ जाएगा। ठीक है, तो के आ गया, के आने के बाद यहाँ पे चेक करोगे, सपोज ये कैरेक्टर तो ले लिए, फिर चेक करोगे इफ एफ ईओ एफ एफ पी, मतलब एंड ऑफ फाइल पहुंचा कि नहीं, सपोज लास्ट कैरेक्टर ये एंड ऑफ फाइल हुआ तब तो हम लोगों को प्रिंट करना नहीं है, तो इन कैरेक्टर इनपुट लेने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये एंड ऑफ फाइल हुआ है कि नहीं, अगर ये एंड ऑफ फाइल होगा तो फिर हम लोग ये
ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, मतलब और प्रिंट करना नहीं है। और अगर एंड ऑफ फाइल नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो कैरेक्टर हुआ तो उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ परसेंट सी सी। ओके, बस यही है हम लोगों का, मतलब जब वेन एवर वी वॉन्ट टू राइट इन ए फाइल वी हैव टू रीड, फ्रॉम कीबोर्ड स्कैनिफ करके एंड लिखना है, मतलब स्कैनिफ करके इनपुट लोगे राइट करने के बाद, तो एकदम फास्ट में ही मैंने समझाई थी, और लिखोगे एफ पुट सी फाइल में लिखोगे, और जब रीड करोगे फाइल से, मतलब एफ गेट सी फाइल से लिखोगे और प्रिंट एफ स्क्रीन में प्रिंट करोगे। क्लियर? तो इसके बाद भी वी हैव टू क्लोज द फाइल, एफ क्लोज एफ पी। ओके, सो दिस इज हाउ टू राइट सिंगल कैरेक्टर इन ए फाइल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न एफ गेट्स एंड एफ पुट्स। दिस टू फंक्शंस आर यूज एफ गेट्स, गेट्स मीन्स स्ट्रिंग, टू रीड एंड राइट स्ट्रिंग इन ए फाइल, एफ पुट्स। ओके, सो सिंटेक्स ऑफ एफ पुट्स इज इंट एफ पुट्स कैर स्टार, कैर स्टार मीन्स कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग है, we have to write string in the file. Okay, so we have to specify a string array, that means string pointer and file pointer. This is for f puts to write and f gets to read. For read, it also read a string. Int converts in a string, and for character it returns a string, that's why its return type is char star. If gets, there are three parameters, one is char star, int n, and file pointer. Char star is the character array, string to write, string to write in the file, string variable. Okay, int means number of bytes, n is number of character to read, at a time. Collection of character is a string, so we have to specify how many characters we want in a single line. Okay, if I write here 10, it reads 10 character. If I write 100, it reads 100, not 99 characters. One character is for last end of file. Okay, so n is the number of character we have to take input from a file, and as it is a number of character, that means it is a string, and char star is the variable string which is used to store this number of character at a time, and we have to specify file pointer. So let us see the program. Here we are going to do both the input and output in a single file. Okay, just to show it, you have already know how to read a file and how to write a file. So here I am going to do both the case in a single file. Okay, that means f puts and f gets. Clear? So let us do
हैश इंक्लूड एसटीडीओ डॉट एच void main. So at first we have to create the file, that means we have to write the file, then we can read from that file. Okay, so in order to write a string we have to take input. Suppose we have, so we need one character array and file pointer obviously needed to open the file. Okay, now we have to create, open the file in write mode, because at first we have to write the file. So fp equals to f open, we know the process is same, dot txt in write mode. If fp equals to null, that means if file cannot be created, then you remember one thing, if ab.txt is already, if there exists already one file with the name ab.txt, then that file will destroy and it erase all the contents of the file and open it in write mode. Okay, if we open file a write mode, if it does not exist, it create the file, and if there exists a file having the same name, then it erase the content and open the file, fresh file. Okay, so if p equals to null, then printf file cannot be created, exit. File cannot be created, fp equals to null. Okay, now we have to take input from user, printf enter any string. Okay, enter any string, scanf percent s st. St is a variable where we can input a string. Then we have to write in the file. So f puts, s is a string, and before in f puts we have to print a individual character, that's why we have to use a loop. A string is an array, st. Okay, so if we write st, so it's a character array, it can print directly using fputc function. So fputc is, we have to specify the character array and then file pointer. This will print this string in the file. Okay, now we have to close the file, close fp. Now we have to open the file in read mode. Okay, I am doing the, in the previous two example, I have written separate program for reading and writing a file. Here I am doing both the, using both the functions in a same program. So I have already closed the file, which is already open in a write mode. Now here again I have to open the file in read mode. Okay, so fp equals to f open, our file name is abtxt in read mode. If fp equals to null, printf file cannot be read, exit 0. And if file is opened, we have to read the file, and for a string it checks the null character in a file. So while if gets,
there are three parameters. One is string, okay, so we can use the string st, then number of character to read at a time, maybe 30, and then file pointer fp. This reads 30 character at a time and store it in a string st, okay. If this is not equals to null, that means if st is not equals to null, then we have to puts function is used to write string on the console, st. Simple. This is fgets. For fgetc, why we are using loops? Because if we store 100 character in the file and we read 30 at a time, then this loop moves 3 times, 30, 30, 30. Okay, and in the last 3, 4 times it will move and checks whether it is null or not. So while f gets this, it puts, then f close fp. Okay, so here this portion is for to f gets to read from file, and this portion is to write in a file. Clear? This is how we can read and write from a file. Here I am using only two type 4 functions, two for read in a file and two for write in a file. There are more functions which we will learn in our next video. Okay.